Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Nimra and my topic is phase diagram of Gibbs phase rule. Firstly, we know about what is Gibbs phase rule. Then we will discuss about phase diagram of Gibbs phase rule. What is Gibbs phase rule? Phase rules describe the possible number of degrees of freedom in a closed system at an equilibrium in terms of number of separated phases and number of chemical constituents. It's basically a relation, mathematical relation, which was deduced from thermodynamic principle by J.W. Gibbs in 1870s. 1870s में J.W. Gibbs ने इसको first time introduce किया करवाया था और ये मतलब इस phase rule के ज़रिए हम ये जो है degrees of freedom जो है बता सकते हैं कि एक अगर इक्विलिब्रियम सिस्टम है हमारे पास उसमें कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हम चेंज कर सकते हैं या कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम रिक्वायर हैं उस सिस्टम को प्रोसीड करने के लिए अगर हमारे पास सेपरेटेड फेसेस और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स दिए गए हों तो ये जो मतलब इसको बताने इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम इसकी स्टेटमेंट को देखते हैं अ रूल स्टेटिंग दैट द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इन अ क्लोज फिजिकल सिस्टम एट इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ केमिकल कंपोनेंट्स माइनस द नंबर ऑफ फेज प्लस द कांस्टेंट टू हियर एफ इज अ डिग्री ऑफ फ्रीडम सी इज अ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स एंड पी इज अ नंबर ऑफ फेजेस इन सिस्टम इस स्टेटमेंट को इस रूल को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें पता होना चाहिए व्हाट आर द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम व्हाट आर द नंबर ऑफ components and what are the phases in system. So let's see firstly what are the phases. A phase is physically a distinctive form of matter means matter ki koi bhi form ho sakti hai solid liquid gas or plasma. Phase jo hai wo isko characterize kiya jata hai uniformly chemical or physical properties mein means ye इस हर फेज़ की अपनी केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं लाइक यहाँ पर एक पिक्चर शो रही है जिसमें वाटर में ऑयल के कुछ जो है वो पार्टिकल्स नज़र आ रहे हैं वाटर और ऑयल ये दो तरह के फेजेस हैं वाटर अलग फेज है ऑयल अलग फेज है मीन्स ये डिफरेंट जो है वो फेजेस हैं यहाँ पर जो है नंबर ऑफ़ फेज होंगे हमारे पास टू एक भी नंबर ऑफ़ फेज हो सकता है लाइक हम सिंपल वाटर को भी कंसीडर कर सकते हैं या ऑयल को अगर दोनों को कह रहे हैं तो फिर ये दो नंबर ऑफ़ फेजेस होंगे यहाँ पर टू नंबर ऑफ़ फेजेस होंगे ये बेसिकली फेजेस हैं अब कंपोनेंट्स कंपोनेंट्स आर द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स मींस कि केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं कंपोनेंट्स और यहाँ पर जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं वो बेसिकली जो है वो कंपाउंड्स भी होते हैं और इनको केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी बोलते हैं लाइक वाटर सॉल्ट वाटर में H2O दो तरह के आ गए ना बॉन्ड केमिकली बॉन्ड बना हुआ यानी दो जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो आ गए तो अगर ये एक ही सिस्टम के अंदर कन्फाइन हो मीन्स कि अगर कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है वो एक इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर हों तो हम उसको एज अ वन कॉन्स्टिट्यूएंट भी कंसीडर कर सकते हैं वट एवर द स्टेट ऑफ सिस्टम कुछ भी हो सकता है स्टेट ऑफ सिस्टम और इसको डिनोट किया जाता है सी से ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स आ गए कंपोनेंट्स आ गए अब डिग्री ऑफ फ्रीडम आर द इंडिपेंडेंट इंटेंसिटी वेरिएबल्स दैट नीड टू स्पेसिफाई द वैल्यू टू फुली डिटरमाइन द स्टेट ऑफ सिस्टम मीन्स ये वेरिएबल्स हैं लाइक टेम्परेचर प्रेशर कंसंट्रेशन इस टेम्परेचर पे या किस प्रेशर पे हम सिस्टम को जो है वो मेंटेन कर सकते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट में किस टेम्परेचर पे जो है वो सिस्टम इक्विलिब्रियम स्टेट पे जाएगा ये इसको हम लोग जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं यानी कि अगर एक फेज में हमें कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम्स रिक्वायर्ड है जिसे चेंज करते हुए हम लोग जो है वो सिस्टम की स्टेट चेंज कर सकते हैं या अगर दो डिग्री ऑफ सॉरी अगर दो फेजेस हमें दिए गए हैं तो हम किस तरह से इसको चेंज कर सकते हैं मैनेज कर सकते हैं ये बेसिकली इसको बताते हैं यानी टेम्परेचर प्रेशर और कंसंट्रेशन ये बेसिकली तीन वेरिएबल्स हैं जो डिफाइन करते हैं सिस्टम को इन अ कन्फाइन वे मतलब में और इसमें हम प्रेशर टेम्परेचर और कंसंट्रेशन को हम चेंज भी कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द फेजेस को चेंज किए बगैर हम इसको भी चेंज कर सकते हैं टेम्परेचर प्रेशर या कंसंट्रेशन किसी भी वेरिएबल को
नाउ लेट्स सी द फेस डायग्राम. यहाँ पर सिंपलेस्ट फेस डायग्राम शो हो रही है. जहाँ इस फेस डायग्राम में एक्चुअली व्हाट इज़ फेस डायग्राम? फेस डायग्राम इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंट अंडर डिफरेंट कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. यानी कि डिफरेंट कंडीशंस अगर अप्लाई कर दी जाएँ तो उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किस तरह से करेंगे डिफरेंट कंडीशंस में. मतलब कि अगर फिजिकल स्टेट्स हमने किसी की बतानी है किसी भी सब्सटेंस की, तो हम उसको किस तरह से जो है वो ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं. यहाँ पर एक फेज डायग्राम शो हो रही है जिसमें एक कंपोनेंट मैंने लिया है. इसमें एक कंपोनेंट शो हो रहा है जो कि वाटर है, और यहाँ पर इसकी तीन जो है वो फेजेस शो हो रहे हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस या वेपर फॉर्म कह सकते हैं इसको. ये तीन जो है वो फेजेस सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फेस डायग्राम है. यानी कि ये जो और जो लाइंस यहाँ पर ये शो हो रही हैं, ये लाइंस बताती हैं कि यहाँ ये जो सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में है. और ये मतलब ये दोनों ये सबको सेपरेट कर रही है ना, हर फेजेस को. यहाँ पर इक्विलिब्रियम में आ जाएगा सिस्टम, और ये सबको जो है वो फेज सब फेजेस को सेपरेटेड शो किया गया. ये ट्रिपल पॉइंट है और क्रिटिकल पॉइंट है. नाउ फर्स्टली वी सी अबाउट व्हाट आर द ट्रिपल पॉइंट एंड क्रिटिकल पॉइंट. जो ट्रिपल पॉइंट है वो डिग्री ट्रिपल पॉइंट जो है वो बेसिकली जो ऐसा पॉइंट है जहाँ पर सारे जो फेजेस जो हैं वो क्यों एग्जिस्ट करते हैं इक्विलिब्रियम में. मीन्स यहाँ पर जो है वो तीनों फेजेस सॉलिड, गैस, लिक्विड तीनों जो हैं वो कोएग्जिस्ट कर रहे हैं इक्विलिब्रियम में. और जो ट्रिपल पॉइंट है यहाँ पर हम लोग टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो मतलब कोई भी वेरिएबल चेंज किए बगैर जो है वो हम लोग वेरिएबल चेंज किए बगैर इसको बैलेंस कर सकते हैं तीनों फेजेस को. और इसको इनवेरिएंट पॉइंट भी कहते हैं, और क्योंकि यहाँ पर ज़ीरो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो होता है. यानी कोई भी डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं है कोई, क्योंकि हम लोग कोई वेरिएबल चेंज ही नहीं कर रहे हैं. वेरिएबल बेसिकली डिग्री ऑफ फ्रीडम ही है ना, कि टेम्परेचर भी नहीं चेंज कर रहे, प्रेशर भी नहीं चेंज कर रहे. तो ये एक बैलेंस पॉइंट है, इसको ट्रिपल पॉइंट कहते हैं. और क्रिटिकल पॉइंट जो है वो क्रिटिकल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है विच जहाँ पर लिक्विड और गैसेस दोनों जो लिक्विड और गैसेस फॉर्म के फेजेस होते हैं ना, वहाँ पर उनकी डेंसिटी जो है वो सेम हो जाती है. एंड दे आर इनडिस्टिंग्विशेबल, यानी कि इनको इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं इनको हम लोग जो है वो ये नहीं कह सकते कि ये इसकी डेंसिटीज जो है वो डिफरेंट हो जाती हैं. और मतलब सेम रहती है डेंसिटी, और इसको हम लोग मतलब डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते क्रिटिकल पॉइंट पे. मतलब अगर बियॉन्ड चला जाएगा तो वो सुपर क्रिटिकल आ जाएगी. वो कंडीशन मैं बाद में करती हूँ, बताती हूँ. पहले ये क्रिटिकल आ गई. मतलब यहाँ पर जो है वो सब एंड होता है. ये इसको जो है वो बोलते हैं बॉइलिंग कर्व या वेपोरेशन कर्व. इसके एंड पे ही होता है क्रिटिकल पॉइंट. ये एक पॉइंट होता है, लाइक हम कह सकते हैं कि अगर वाटर 373 डिग्री से मतलब अबव चला जाता है तो उसका टेम्परेचर, तो वो जो है वो क्रिटिकल पॉइंट है वाटर के लिए. नाउ सी अबाउट दी नॉर्थ. यहाँ पर एक फेस डायग्राम शो हो रही है, इसको मैंने एलेबोरेट किया है. यहाँ पर नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट, नॉर्मल बॉइलिंग. ये नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट है, इसका नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है और ट्रिपल पॉइंट है. तो इनको सबसे पहले देख लेते हैं. नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो हमारे पास क्या है, तो उसमें जो नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट है यहाँ पर, उसको हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि इट्स अ टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स एट 1 atm ऑफ प्रेशर. यानी 1 atm ऑफ प्रेशर पे जब सॉलिड जो है वो मेल्ट होता है, तो वो टेम्परेचर जो है हमारे पास नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है. नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है एट विच द लिक्विड बॉयल्स एट 1 atm ऑफ प्रेशर. और क्रिटिकल प्रेशर जो है, क्रिटिकल प्रेशर ये पॉइंट है. इट्स अ पॉइंट प्रेशर ऑफ अ गैस और वेपर इन क्रिटिकल, मीन्स कि क्रिटिकल स्टेट पे क्रिटिकल पॉइंट पे जो प्रेशर होगा उसको हम लोग जो है वो क्रिटिकल प्रेशर बोल सकते हैं. क्रिटिकल पॉइंट पे जो प्रेशर है ये इसके जो है वो
तीन जो है वो बेसिक पॉइंट्स आ गए। ट्रिपल पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट मैंने पहले ही इसको एक्सप्लेन कर दिया। सही, अब देखते हैं फेज डायग्राम विद केमिकल रिएक्शंस। मीन्स यहाँ पर तीन तरह के अगर फेजेस हैं लिक्विड सॉलिड और वेपर फॉर्म में, एक ही कंपोनेंट वाटर को हमने कंसीडर किया हुआ है, तो यहाँ पर सॉलिड लिक्विड और वेपर में जब ये चेंजेस आएंगे तो ये चेंजेस किस रिएक्शंस को शो कर रहे हैं उनको मैं डिस्कस करती हूँ। सबसे पहले यहाँ पर जब सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में आएगा तो मेल्टिंग आएगा, और सॉलिड से मतलब अगर लिक्विड से सॉलिड जा रहा है तो उसको हम फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं, फ्रीजिंग रिएक्शन बोलते हैं। इसी तरह से अगर वेपोराइजेशन है यहाँ पर शो रहा है, यानी कि अगर लिक्विड टू वेपर जा रहा है तो वेपोराइजेशन, वेपर टू लिक्विड आ रहा है तो कंडेंसेशन है, वेपर्स मीन गैसेस फॉर्म। और यहाँ पर अगर सॉलिड टू डायरेक्टली वेपर्स में चेंज हो रहा है तो उसको सब्लिमेशन कहते हैं, और अगर वेपर टू सॉलिड तो इसको डेपोजिशन। मीन्स कि अगर तीनों फेजेस जो हैं वो आपस में मतलब एक फेज से दूसरे फेज में जा रहा है सिस्टम, तो उसको हम लोग किन रिएक्शंस के ज़रिए वो क्या रिएक्शंस परफॉर्म कर रहा है ये वो रिएक्शंस है। नाउ सुपर क्रिटिकल फ्लूइड। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड जो है यहाँ पर इट्स रियली इंटरेस्टिंग पार्ट कि जब हमारा सिस्टम क्रिटिकल पॉइंट से बियॉन्ड चला जाता है तो उस पार्ट को हम बोलते हैं सुपर क्रिटिकल पॉइंट या सुपर क्रिटिकल फ्लूइड। इट्स कैन बी, हम इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इट कैन बी फोर स्टेट ऑफ मैटर लाइक जस्ट लाइक प्लाज्मा, कि मतलब ना वो गैसेस फॉर्म में होगा, ना वो लिक्विड में, ना सॉलिड में, मतलब लिक्विड और लिक्विड फॉर्म और गैस फॉर्म के इन बिटवीन कुछ फॉर्म्स ही होगी, उसको हम लोग सुपर क्रिटिकल फ्लूइड कहते हैं। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, लाइक अगर वाटर जो है वो उसको हम हीट अप्लाई करते हैं, उसके ऊपर हीट अप्लाई करने के बाद वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा, बॉयल होगा मतलब उसको हम टेम्परेचर दे रहे हैं वो बॉयल होगा उसके बॉयलिंग पॉइंट पे, और अगर बियॉन्ड द बॉयलिंग पॉइंट हम ज़्यादा टेम्परेचर दे देते हैं और उसी टाइम हम उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई कर देते हैं, वो प्रेशर से जो है वो लाइक प्रेशर कुकर जिस तरह से उसके ऊपर जब हम प्रेशर अप्लाई कर देंगे तो वो अंदर जो है वो वाटर जो है वो उस मतलब ज़्यादा बॉयल नहीं होगा, वो थोड़ा गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होगा कुछ वाटरस फॉर्म में, तो इट्स लाइक दिस। और इसका जो है वो 373 डिग्री जो है वो वाटर का वो टेम्परेचर है, जिसके बाद वो जो वाटर जो है वो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड में या सुपर क्रिटिकल बन जाता है। ये इसकी डेफिनेशन मतलब इसका बेस आइडिया। अब फेज डायग्राम के थ्रू हम लोगों ने ये बता दिया कि किस तरह से कंपोनेंट्स किस तरह से हम डिग्री ऑफ फ्रीडम बता सकते हैं, फेज डायग्राम किस किस पॉइंट्स को शो करती है, किस लिए उस क्या उसका पर्पज़ है। बेसिकली उसका पर्पज़ यही था कि डिग्री ऑफ फ्रीडम बताती है। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम कहाँ पर बता सकती है, फेजेस पे, ये आइस मतलब उसका सॉलिड फेज है, ये लिक्विड फेज है, और ये वेपर फेज है मतलब गैसेस फेज है। अब हम देखेंगे कि तीनों पॉइंट्स के ऊपर किस तरह से हमें जो है वो गिब्स फेज रूल हमें बताता है, किस तरह से उसको जो है वो हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम गिब्स फेज रूल से किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले केस वन लेते हैं ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट जैसे कि मैंने बताया कि ये वो पॉइंट है जहाँ पर तीनों स्टेट जो है वो कोएग्जिस्ट करती हैं इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, और ये और इस पॉइंट पे अगर हम लोगों ने फाइंड आउट करना है तो इसको हम लोग, वैसे तो इस पे ज़ीरो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है जैसे मैंने कहा था, तो क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जो है वो टेम्परेचर प्रेशर जो है वो कुछ भी चेंज किए, कुछ भी जो है वो हम लोग चेंज नहीं करते हैं, और उसको चेंज किए मतलब उसको चेंज नहीं करते, उसको चेंज किए बगैर ही बैलेंस किया हुआ है। सो अगर हम लोग इसको गिब्स फेज रूल के ज़रिए फाइंड आउट करें तो उसकी स्टेटमेंट थी पी प्लस एफ इज इक्वल टू सी प्लस टू। यहाँ पर अब पी तो हमें पता है थ्री है, ठीक है, पी एक्चुअली था पी हमारे नंबर ऑफ फेजेस, और पी हमारे पास नंबर ऑफ फेजेस, सी हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इन अ सिस्टम जो कि वन है, वाटर फेज हमारे पास जो है वो तीनों एग्जिस्ट कर रहे हैं तो तीन हो गए,
तो जब इस इक्वेशन में हम वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास एफ इज इक्वल टू 0 आता है, मीन 0 डिग्री ऑफ फ्रीडम एट ट्रिपल पॉइंट। अब नेक्स्ट केस देखते हैं इसका, केस टू। केस टू में हमने कंसीडर किया है कोई भी पॉइंट जो लिक्विड और सॉलिड कर्व के बिटवीन हो। यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, जस्ट लाइक यहाँ पर था लिक्विड और सॉलिड के यहाँ पर, शायद ये यहाँ पर करके, मतलब ये सॉलिड है और ये लिक्विड है ना, यहाँ पर इस पॉइंट पे अगर हम लोग कोई भी पॉइंट कंसीडर करें तो उसको हम लोग लेके चलेंगे। और ये आ गया हमारे पास केस टू, मींस केस टू में हम लोग कोई भी पॉइंट वहाँ पर कंसीडर कर लिया लिक्विड और सॉलिड कर्व पे, तो हमारे पास कितने कंपोनेंट्स आ गए, हमारे पास कंपोनेंट तो एक है, तो हमारे पास फेसेस कितने आ गए, दो। तो अगर हम इस वैल्यू में पुट करेंगे तो हमारे पास जो है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आएगा। दिस डिग्री ऑफ फ्रीडम शोज कि हम लोग कोई भी एक वेरिएबल चेंज कर सकते हैं, विच कैन बी प्रेशर, विच कैन बी टेम्परेचर, कैन बी कंसंट्रेशन, कोई भी एक जो है वो सिंगल फेस हम लोग इंडिपेंडेंटली चेंज कर सकते हैं सिस्टम में। और केस थ्री में हम लोग लेते हैं कोई भी ऐसा पॉइंट कि जो सिर्फ एक फेस में हो, लाइक मैं कंसीडर यहाँ पर आपको बता देती हूँ कोई भी ऐसा फेस जो यहाँ पर हो, ठीक है, लाइक ऑयस में या वाटर में या वाटर वेपर में कोई भी, तो उसको हम लोग जो है वो ले लेते हैं। तो हमारे पास एक होगा नंबर ऑफ फेसेस, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स भी एक हैं, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है, यानी कोई भी 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम प्रेशर टेम्परेचर और कैन बी कंसंट्रेशन कोई भी हम लोग जो है वो इंडिपेंडेंटली चेंज कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द, मतलब उसको विदाउट एनी मतलब कोई भी प्रॉब्लम के बगैर हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं सिस्टम में हम लोग। ये हमारे पास फेस डायग्राम ऑफ गिब्स फेस रूल की सारी आ गई। हाँ एक चीज़ सॉरी स्किप हो गई थी, ये है फेस डायग्राम एक्सप्लेन्स कर्व। ये कर्व थे मेल्टिंग पॉइंट कर्व, सब्लिमेशन कर्व, वेपोरेशन कर्व। दिस इज़ अ मेल्टिंग पॉइंट कर्व, दिस इज़ अ वेपोरेशन कर्व एंड दिस इज़ सब्लिमेशन कर्व। ये तीनों कर्व्स जो हैं वो एक्सप्लेन कर रही हैं इनके रिएक्शंस को, जैसे मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब किए थे किस तरह से एक फेस से दूसरे फेस में जाते हुए रिएक्शंस चेंज होते रहते हैं, ये उन सबको जो है वो कर रहे थे। एंड नेक्स्ट आर देयर आर द रेफरेंसेस, सो थैंक यू।